सूचनाओं की स्टूडियो में मैं स्मृति। आइए देखते हैं आज की खबरें। ढिंग के संवाददाताओं ने गुप्त सूत्र के आधार पर ढिंग प्रेस क्लब के सामने ड्रग्स रैकेट चलाते हुए दो ड्रग्स तस्कर आरिफ और नूरजमाल को गिरफ्तार कर लिया है। ढिंग के संवाददाताओं ने एक गुप्त सूत्र के आधार पर ढिंग प्रेस क्लब के सामने ड्रग्स रैकेट चलाते हुए दो ड्रीलर को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से लालू के नेतृत्व में ढिंग के दो युवक आरिफ और नूरजमाल ड्रग्स रैकेट चला रहा था। लंबे समय से संवाददाताओं की नजर इन दोनों ड्रग्स डीलर पर था और मौके को देखते हुए आरिफ का पीछा किया। उसे दो घंटे तक अलग अलग जगह पर पीछा करने के बाद शौचालय से हिरासत में लिया गया। इस मामले में परिवार के लोग सुरक्षा देते हुए दिखाई पड़ा। गिरफ्तार आरिफ और नूरजमाल दोनों अब ढिंग थाने में हैं। ढिंग पुलिस गिरफ्तार ड्रग्स माफिया आरिफ से भारी मात्रा में नकदी जब्त करने में कामयाब हुआ है। मुख्य आरोपी लालू फिलहाल फरार है। ढिंग पुलिस आगे की जांच के लिए मैराथन पूछताछ जारी रखे हुए है। ढिंग पुलिस मुख्य आरोपी लालू को गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे कि नहीं, यह देखने बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ 20.27। जटिल बीमारी से जूझ रही माजुली की एक महिला, असमवासी के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी सहायता देने का आह्वान। मध्य माजुली क्षेत्र के खलीहामारी गांव के बेहद गरीब परिवार के सदस्य दिलीप बरा की पत्नी बीजू बरा की जिंदगी में छाया हुआ है अंधेरा। अचानक आए तूफान ने अब इस परिवार की जान खतरे में डाल दी है। दोनों किडनी खराब होने के बाद जटिल बीमारी के कारण पैसों की कमी होने पर बेहतर इलाज के लाभ से वंचित रह जाने से परिवार एक तरह से अपना रास्ता खो चुका है। इसलिए विभिन्न दल, लोगों और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से इस गरीब परिवार की ओर से अनुरोध किया गया है कि वे इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवार की मदद करें। अगर असम के विभिन्न हिस्सों से कोई भी लोग बीजू बरा तक मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माजुली की कमलावरी शाखा के खाता नंबर 40222981764 IFSC SBIN 0018990 नंबर में भेज सकते हैं। श्रद्धार अहमबाखी राइज, आज मैं एक कारण अपना लोगक कबले विचार। आज मोर पत्नी एक भयव जटिल रोग आक्रांत होरजोरे विनम्र भावे अनुरोध जनाओ। मैं एक दरिद्र পরিয়ালৰ এজন সদস্য হয়, সেয়েহে মই যোৰহাট মেডিকেল আৰু যোৰহাটৰ অন্যান্য জেগাত মই ভালেমানখিনি চিকিৎসা কৰিলোঁ। তাৰ পাছতে এতিয়া বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত এবাৰ নি মই দেখালোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ আৰ্থিক ফালৰ পৰা, টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট মোৰ অসুবিধা। আৰু যিমানখিনি মোৰ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি আছিল সকলোখিনি বিক্ৰী কৰি মই বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। সেয়েহে মই সেই চিকিৎসাত উপকৃত হ'ব পৰা নাই আৰু ডিব্ৰুগড় মেডিকেলে মোক এইটোৱেই ক'লে, সপ্তাহটোত দুবাৰকৈ আমি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগিব। সেয়েহে দুটা সপ্তাহৰ বিনিময়ত মই এটা সপ্তাহ যাবলৈ মোৰ অপাৰক। সেয়েহে মই অনুৰোধ জনাওঁ সদৌ অসমবাসী ৰাইজে যাতে আমাৰ এই পৰিয়ালটিক শুভকামনাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি পৰিয়ালটিৰ সুখৰ কামনা কৰি অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে জীয়াই থাকিবলৈ আমাকো অকণমান সুবিধা দিয়ে বুলি মই সেৱা জনাইছোঁ। এয়ে মোৰ একান্ত প্ৰাৰ্থনা আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈও মই এই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ প্ৰতি অকণমান দয়া মমতাৰে মোৰ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটি আৰ্থিক সেৱা আগবঢ়ায়।
মাজুলী সে দেৱজী বৰাকী ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 20.27। जोरहाट में गंभीर तरीके से कोविड फैलते जा रहा है। जागरूकता की कमी के कारण जिले में तेजी से कोविड संक्रमित हुआ है। जोरहाट की 51वां बागशोंग ग्राम पंचायत ने इस संबंध में लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जोरहाट में 51वां बागशोंग ग्राम पंचायत ने कोरोना महामारी के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। पंचायत के तहत हाट बाजार के साथ साथ जनसभा स्थल बागशोंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही वर्ल्ड विजन के सौजन्य जागरूकता लाने का प्रयास किया। पंचायत अध्यक्ष दिगंत भुया ने जनता से कोविड नियम पालन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि बाजारों में सिर्फ मास्क पहनने वाले और दो टीके लेने वाले व्यक्ति ही सामान खरीदने जा सकता है। पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि पंचायत के सभी भीड़भाड़ वाले स्थान पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाकर जनता को कोविड के प्रति अधिक जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर अरुण कुमार सेकिया ने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और कोविड के ऊपर बात की और कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने का आग्रह किया। डॉक्टर ने लोगों से आग्रह किया कि वे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किसी कारणवश इधर उधर ना चले। कार्यक्रम में सेकनीधरा गांव के ग्राम प्रधान दिगंत बरुआ, क्षेत्रीय सदस्य वंदना दत्त अक्राशु, जोरहाट जिला कार्यकारी अध्यक्ष अंजन कुमार दत्त, वर्ल्ड विजन के चित्रनाथ, पंचायत सचिव हरिन बरुआ, वार्ड सदस्य रानी गोगोई, रेखा गोगोई आदि उपस्थित थे। আমি কেনেকৈ কোভিড প্ৰটকল মানি জীৱন যাত্ৰা চলাই যাব লাগিব এই সম্পৰ্কেও এই সজাগতাত কোৱা হ'ব। কথা নহয়, আমি সাৱধানৰ সচেতন হ'ব লাগে আৰু এই মহামাৰীৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ব্ৰহ্মাণ্ড হৈছে ভেকচিন। গতিকে আমি সকলোৱে ভেকচিন যিমান সোনকালে পাৰি এটাই বিপালি লোৱাৰ কাৰণে আমি সচেতন হ'ব লাগে। টাইমৰ এই ভাইৰাছটো তাতকৈ বেছি টাইমৰ, কাৰণ তেওঁ সেই ভাইৰাছে আমাক বিভিন্ন সময়ত বেলেগ ধৰণে আক্ৰমণ কৰি আছে, আক্ৰান্ত কৰি আছে। যোৱা কালি আমাৰ যোৰহাটতে প্ৰায় 400 অধিক 400 এটা পজিটিভ কেছ ধৰা পৰিছে। তাৰে বাগটো প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 130-140টা পজিটিভ কেছ ধৰা পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 20.27। देश भर में कोरोना के भयानक रूप के साथ साथ हमारे राज्य में भी संहारी रूप लिया है, जिसके मद्देनजर इस वायरस से बचने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाया है। चलिए देखते हैं माजुली के अफलामुख परघाट का नजारा। माजुली जिला प्रशासन ने पारा पर आने वाले हर यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन की विशेष भूमिका रही है। किसी भी यात्री को बिना मास्क के पार जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच जिला प्रशासन ने जोरहाट से लौटने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों ने कोविड वैक्सीन की डोज या एक भी डोज नहीं ली है, उनका परीक्षण पाराघाट में किया गया है। जिन लोगों ने दो डोज ले ली है, उनके शरीर के तापमान मापा गया है और जिन लोगों का तापमान बढ़ा है, उन लोगों को कोविड टेस्ट करने के लिए दिया गया है। মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু মাজুলী স্বাস্থ্য বিভাগে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনি, যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা মাজুলী মানুহে বাহিৰলৈ গৈ অলপ দিন থাকি আহিছে, তেখেতসকলক ইয়াত ঘাটত টেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এতিয়া নতুন যিখিনি মানুহে টেষ্টিংটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, যিখিনি মানুহে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ড'জ দুটা ড'জ লৈছে তেখেতসকলক আমি কৰা নাই, কিন্তু থাৰ্মেল স্কেনাৰ কৰি যদি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়ে পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইসকলক কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু যিখিনি মানুহে প্ৰথম এটা ড'জ লৈছে তেখেতসকলকো টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু এটাও নোলোৱা মানুহখিনিক বিশেষভাৱে টেষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াত হয় আজি দিনটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা হৈছে? আজি ওলোৱা নাই বা পজিটিভ, এতিয়ালৈকে আমি এতিয়া 50টামানৰ ওপৰত টেষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে পজিটিভ পোৱা নাই। সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ মানে ইয়াত কোভিড টেষ্ট কৰিছে, মাস্ক পৰিধান কৰিব লৈছে আৰু চেনিটাইজাৰ কৰিছে। কোনো মানুহক মাস্ক অবিহনে আমি পাৰ পাৰ হ'বলৈ দিব দিয়া নাই, আমাক গোটেইখিনি প্ৰশাসনে ইয়াত বাধা দিছে। মাস্ক উইদাউট মাস্কত কোনো পাৰে হ'ব নোৱাৰিব, কোনো টিকটে নাপাব ইয়াত। হয়, আজি দিনটোত মাজুলী সেটিয়বজিৰ বৰাকী ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 20.27।
बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। युवा कांग्रेस कमेटी के जिलाधिकारी को स्मारक पत्र प्रेरण, छात्र के सुविधा अनुसार आगंतुक परीक्षाओं को आयोजन करने का आह्वान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जोरहाट जिलाधिकारी को स्मारक पत्र प्रेरण किया गया है। कोविड महामारी संक्रमण के आतंक और ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए छात्रों के सुविधानुसार नाम वर्दी या अन्य लाभों को देखने की मांग की है। आज सर्वभारतीय एनएसओ उद्योग तथा आम सर्वभारतीय एनएसओ सभापति सम्मानीय नीरज कुंदन डांगरिया नेतृत्व और सम्मानी सभापति राज्यिक एन एस ओर सम्मानी सभापति कृष्णु बरुआ डांगरियार नेतृत्व जी आगंतक दिन हबलगा जी समूह परीक्षा आए सभी परीक्षा समूह अनलाइन और अफलाइन पद्धत अनुषित करे आज आम जोरहाट जिला एन एस ओ जोरहाट जिला एन एस ओ उद्योग आम डी सी ऊर एन मेमोरेन्डम दी आज ये कार्यसूची आमार समग्रते करा हुई से कल कृष्णु बरुआ डांगरिया मेल जुगे सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया एखन मेमोरेन्डम दिछे आरो आजिओ आमी डिसी ऊसले आही मेमोरेन्डम खन दिछो आमार स्पष्ट मत जे जि हमो आगंतक दिनत होबले गय आसे परीक्षा हमो हे परीक्षा हमो अनलाइन आरो अफलाइन दुटा पद्धतिते अनुष्ठित करिब लागे कारण आमी देखिबले पाइछो दिनक दिने कोविडर संख्या बृद्धि पाइछे गदिके तार प्रति लक्ष्य राखी छात्र छात्री सकलर जाते कोनो असुविधा नहय तार बाबे ए समूह परीक्षा तेनलोकर निजर माने अपशन मते राखिबो लागे कारण किसुमान छात्र छात्री होय तो बिचारिबो अनलाइन पद्धति दिबोले आरो किसुमाने बिचारिबो अफलाइन पद्धति दिबोले गदिके जदि हे कलेज कर्तृपक्ष बा इन्भार्सिटी कर्तृपक्ष तेनलोकर पर जुर जुलुम करे तेनलोके अफलाइन दिबोय लागिबो बा तेनलोके करा काम तो तेनलोके करिबोय लागिबो जदे तार ऊपर जो लक्ष्य राखी जद छ्र छी क्या जो स्वास्थ्य अवनति घटे तार दायित्व कलेज करपक्षार्सिटी कर लो निकी आम तारबाद डि सी ऊर और यह मेमोरेन्डम आज आम डि सी ऊर दिल आम आशा करम अनगत समय आम दबर प्रति लक्ष्य राखी सरकार यह समूह व्यवस्था ग्रहण कर अनुपम बरा की रिपोर्ट न्यूज ऑफ 9.7। आज के समाचार में बस इतने ही। मैं स्मृति आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ट्रेवलर आईसीयू एम्बुलेंस विद वेंटिलेटर डेफिबिलेटर ऑक्सीजन मॉनिटर एक्सेट्रा आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 7002157385। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प टू योर फैमिली।